हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पर पबजी खेलना पसंद करते हैं, दिन के ज़्यादातर समयों में खेलते रहते हैं, तो कभी ना कभी आपने पबजी ट्रिगर के बारे में लेने के लिए सोचा होगा, पबजी गेम पैड भी हो सकता है लेने के लिए सोचा होगा, और कभी हो सकता है आपने परचेज भी किया होगा। बहुत तरह के गेम पैड्स आते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सस्ते गेम पैड की। तो यहाँ पर एक गेम पैड मैंने लगभग 270 रुपये के आसपास में पेटीएम मॉल से खरीदा है। तो यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग करके बताएंगे, और मैं आपको बताऊँ रिसेंटली भी मैंने कई सारे यहाँ पर खरीदे थे गेम पैड, पबजी ट्रिगर भी मैंने खरीदे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले गेम पैड में क्या चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, क्या खराब लग रही हैं, और क्या इसे आपको परचेस करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले इसकी करनी पड़ेगी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए सिंपल सा इसको यहां पर लगा देते हैं एक छोटा सा कट, और उसके बाद ये पैकेट निकाल देते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि पेटीएम मॉल की यहां पर पैकेजिंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। तो यहां पर जैसे कि दवा पिचका एक पहले से यहां पर एक पैक आ गया है, यह है पबजी का यहां पर मोबाइल कंट्रोलर, और इसकी प्राइसिंग मैंने बताया 270 रुपीज है। यहां पर मैं आपको कि यहां पर मेरे पास एक पबजी का ओनली ट्रिगर भी है, ये है यहां पर गेम पैड। तो मैं यहां पर दोनों में अंतर भी बताऊंगा कि मुझे क्या चीजें पबजी ट्रिगर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये जैसा कि यहां पर इमेज में था, मैंने जैसा कि जब बुक किया था सेम इस कलर में ही था, तो ये था सेम उस कलर में ही दिया। तो इसमें एक खासियत तो सबसे पहले यह कि थोड़ा सा कलरफुल है। तो जब गेम आप खेलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा PS2 PS4 के रिमोट्स भी काफी ज्यादा टेक्सचर वाले होते हैं, तो ये ब्लैक नहीं है ओनली। मैंने एक रिसेंट एक मंगवाया था जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी, वो टोटल ब्लैक था। तो यहां पर ये स्काई ब्लू एंड रेड है, ठीक है। ये है यहां पर पबजी का पूरा गेम पैड, और इसमें यहां पर जो है पहले से ये लगा हुआ है, यहां पर जो ट्रिगर है वो पहले से लगे हुए हैं। मैंने जो एक वीडियो पहले बनाया था पबजी गेम पैड का, उसमें ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, लगाना पड़ता था, और ये अलग था। तो मैं आपको ये वाला दिखा देता हूं, और नॉर्मल अगर आप यहां पे पबजी ट्रिगर की बात करें तो देखिए ये है यहां पे पबजी के ट्रिगर्स। तो अगर आप ये पूरा गेम पैड नहीं लेते हैं तो ये भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं, और अगर आपको कई सारे ऑफर्स की बात करें तो हो सकता है आपको 60 रुपये 70 रुपये में या 100 रुपये तक मिल जाते हैं आसानी से। अब अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप अच्छी मार्केट में रहते हैं, अच्छी मार्केट का मतलब है बड़ी सिटी जहाँ पे कई सारी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स हैं, तो ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये बोलूँ चाहे ये बोलूँ। बट यहाँ पे बात हो रही है ऑनलाइन परचेज करने की। जब आप छोटी शहर में रहते हैं या ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे पबजी का गेम पैड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे सेटअप करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने पबजी गेम को आप लोगों को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़े से आप लोगों को कंट्रोल्स में सेटअप करने पड़ेंगे। तो यहां पर जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद देखिए आपको कंट्रोल में चेंजमेंट यह करना पड़ता है कि जैसे कि आप इसको जब यहां पर दबाएंगे तो एक तरफ से फायर होगा और एक तरफ से आप इसको स्कोप कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग में थोड़ा सा यहां पर चेंजमेंट करना पड़ेगा कि आप अपने यहां सेटिंग में जाएंगे, और उसके बाद आप यहां पर जो है कंट्रोल वाला सेक्शन जो होगा, कंट्रोल वाले सेक्शन में यहां पर आप जब जाएंगे और इसको कस्टमाइज करेंगे, तो आपका जो फायर बटन है इसको आपको यहां पर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहां पर जो आपका स्कोप वाला बटन है इसको भी यहां पर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, और इसके इसको आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। इसको आप ये चीजें कर ली जब आपने इसकी, तो फिर आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर दिया, अब क्या करेंगे, इसको यहां पर लगा लेंगे अपने इस, यहां पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये गेम यहाँ पर हो चुका है स्टार्ट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि गेम पैड की खासियत क्या होती है। सबसे पहले खासियत तो ये होती है कि आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो ये वही चीज़ होती है जैसे कि आप PS2 PS4 खेलते हैं तो आप ऐसे पकड़ के तब आप यहाँ पर खेलते हैं गेम को, तो ये पूरी फीलिंग वो वाली आती है। और इसमें एक फ़ायदा और भी होता है कि यहाँ पर आपको आराम से एक यहाँ पर बटन जो होता है हार्ड बटन मिल जाता है, मतलब यहाँ पर सॉफ्ट टच वाले बटन से आपको फायर करने में कई बार दिक्कत होती है, तो आपको यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं फायर करने के लिए। तो आपके अपने हिसाब से इस तरफ भी स्कोप सेट कर सकते हैं या इस तरफ भी स्कोप सेट कर सकते हैं, ये आप सेटिंग हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं जो नॉर्मल ट्रिगर्स आते हैं उसमें मुझे मतलब ये चीजें पसंद नहीं आती हैं कि यहां पर जब आप इसको लगाते हैं, नॉर्मल ट्रिगर्स को जब आप यहां पर लगा लेते हैं तो ये स्क्रीन में स्पेस बहुत ज्यादा मतलब घेर लेता है, जिससे कई बार आपके कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छुप जाती हैं स्क्रीन में। तो ये काफी ज्यादा स्क्रीन में स्पेस घेर लेता है ये ट्रिगर्स, बट यहां पर आप देखेंगे तो ओनली एक इस वाले पॉइंट को स्पेस को उसने घेरा है, बट बाकी सारा जो स्क्रीन है वो यहां पर क्लियर दिख रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज इसमें लगी है। अब मैं चलिए आपको यहां पे गेम में एंटर हो जाता हूं, गेम में एंटर होकर अंदर जाके आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं।
तो भाई कर चुके हैं यहाँ पे लैंड, अब जल्दी से किसी घर में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद अब उठाते हैं कोई गन और फिर आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को खेलना है इस वाले गेम पैड से। तो भाई जल्दी से चलिए मैं आप लोगों को यहाँ डेमो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे गन मिल चुकी है, इसमें एक मैंने 2x का स्कोप भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको किसी को किल करना है तो आपको यहाँ पर जो है इस वाले बटन पे मैंने स्कोप सेट किया, इधर फायर बटन है, तो जैसे ही देखे मैंने इसको दबाया ये यहाँ पे ऑन हो गया स्कोप, और उसके वापस हटाना है तो वापस ये ऑफ हो जाएगा, तो ये कर दिया। अब सपोज आपको यहाँ पे किसी को भी किल करना है तो आप नॉर्मल यहाँ पे जैसे सेटअप करते हैं वैसे स्कोप ऑन कीजिए और इस वाले बटन से यहाँ पर आपको राइट हैंड से फायर होगा। तो यहाँ पे देखिए फायर हो गया ये, या फिर अगर यहाँ पे मैं अपनी गन चेंज कर लेता हूँ तो भी मैं आप लोगों को ये चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये पूरा फायर यहाँ पे हो जाता है। तो आप इसको यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पे रिकॉइल कंट्रोल के लिए आप इस बटन से फायर करेंगे और यहाँ से आप रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत, हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा आता है मुझे भी नहीं आता है, बट फिर भी यहाँ पर आप रिकॉइल कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। हालांकि इसमें कमी की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा ये कम है, थोड़ा ज़्यादा कस के दबाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा आपको सेटिंग सही से करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इसकी आदत बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर ब्लू जोन आ चुका है और यहाँ पर वीडियो भी मैं आपके सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो आपको ये लेना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी गेम पैड आप परचेस करने जा रहे हैं तो आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो स्क्रीन स्पेस ज़्यादा वो नहीं घेरना चाहिए, और उसके अलावा आप जितना ज़्यादा आप इसको चेक करके देखिए कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग के हिसाब से सेंसिटिव ठीक है, बट और अच्छा आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो आपको ये वाला लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तत्काल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, आगे आने वाली वीडियोज़ मिस ना करना और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए ऑफर्स, नए शॉपिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।